डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार को 22 हेड्स माइक्रोस्कोप लैब का उद्घाटन संस्थान के निदेशक डॉक्टर सीएम सिंह ने किया। यह 22 हेड्स माइक्रोस्कोप लैब भारत में पहली बार लोहिया संस्थान में शुरू हुई है, जिसका फायदा मेडिकल स्टूडेंट, फैकल्टी, डॉक्टर और मरीजों को मिलेगा। यह 22 हेड्स माइक्रोस्कोप लैब लाइव भी काम करेगी, जिससे कहीं से भी विशेषज्ञ बीमारी और उसके इलाज की तकनीक की जानकारी साझा कर सकेंगे। दरअसल लोहिया संस्थान में 22 हेड्स माइक्रोस्कोप लैब अपने आप में विशिष्ट है। इस यूनिट में एक साथ 24 लोग बैठकर माइक्रोस्कोप के अलावा बड़े स्क्रीन पर भी स्लाइड या कोशिकाओं को देख सकते हैं, जिससे सटीक डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, यूनिट के पास ही सेमिनार रूम में भी 100 स्टूडेंट बैठकर लाइव स्लाइड को देख सकते हैं, जिससे छात्रों को बीमारी और उसके इलाज संबंधित जानकारी का अध्ययन करने में दिक्कत नहीं होगी। अभी तक ऐसा नहीं हो पाता था। इसका फायदा प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी मिलेगा। इस 22 हेड्स माइक्रोस्कोप लैब को शुरू करने का श्रेय लोहिया संस्थान स्थित पैथोलॉजी विभाग की HOD प्रोफेसर नुजहत हुसैन को जाता है। ये बेसिकली जैसे माइक्रोस्कोप होते हैं, वो एक इसमें मेन माइक्रोस्कोप है और इसके साथ में 22 हेड्स कनेक्टेड है। और इसके मेन माइक्रोस्कोप में एक बहुत हाई एंड कैमरा लगा हुआ है, जिससे कि लाइव कैमरे जो माइक्रोस्कोप में दिखाया जा रहा है, वो हम उसको कनेक्ट करके जैसे जूम पे या कोई और लाइव प्लेटफॉर्म पे उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसी कमरे में एक और कैमरा लगा है, जिससे हम स्पीकर को भी फोकस कर सकते हैं। दोनों स्पीकर और माइक्रोस्कोप के विजुअल्स के बीच में हम अल्टरनेट करके एक अच्छा पढ़ाई का एक्सपीरियंस कोई जो बाहर भी बैठा है, जो कैंपस में नहीं है, उसको भी दिया जा सकता है। इसका जो है फर्क जो दूर दराज के मेडिकल कॉलेज है, अन्य जिलों में खुले हैं, उनकी गुणवत्ता कैसे और बेहतर होगी इसके बारे में? हाँ, तो हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि जनरली क्वालिटी ऑफ टीचिंग पैथोलॉजी की उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों के पास केसेस आते हैं जो हर एक आदमी के पास नहीं आते हैं। तो जो रेयर केसेस हैं या कोई एक सब्जेक्ट जिसमें हर तरह के पूरे उसकी डिटेल टॉपिक, वो सब इकट्ठे पढ़ाए जा सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पे भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। एक साथ 22 बच्चे तो डायरेक्टली माइक्रोस्कोप पे ही बैठ जाएंगे और सेमिनार रूम में भी हमने लैंड के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया है, तो वहाँ भी 100 लोग बैठ के पूरा प्रोजेक्शन देख सकते हैं और फिर जूम पे जहाँ भी लोग अपनी अपनी जगह देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टीचर जैसे SGPGI का, KGMC के, हमारे ऐसे मिल करके 3 घंटे का सेशन किया जिसमें रेयर केसेस दिखाए और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग एक जैसे पहले ग्रुप बना सकते हैं एसोसिएशन के थ्रू, उसकी एक टाइमिंग फिक्स हो जाए कि उस टाइम पे हर महीने में एक बार दो बार ऐसे सेशन होगा, ताकि जो एक जो हाई एंड एक्सपीरियंस है, क्वालिटी रिपोर्टिंग है, उसको हम सब जगह के बच्चों के साथ शेयर कर पाए स्टूडेंट्स के साथ। देखिए, आज ये 22 सीटर माइक्रोस्कोप का इनॉग्रेशन हुआ है राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में। ये माइक्रोस्कोप बेसिकली स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि माइक्रोस्कोप में जब हम कोई चीज स्टूडेंट को दिखाना चाहते हैं तो हमने अगर फिक्स किया तो 22 स्टूडेंट्स बैठ के साइमल्टेनियसली वो देख सकते हैं क्या हम उनको दिखाना चाह रहे हैं, किस तरह की सेल है, उससे क्या डायग्नोसिस बनती है। तो एक तो ये हुआ कि इंस्टीट्यूट के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, जो दूरस्थ के हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं जहाँ पे इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इस तरह की एक्सपर्टाइज उपलब्ध नहीं है, वहाँ के भी मेडिकल स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो फैकल्टीज मेंबर हैं, जो इतना अभी यंग फैकल्टीज है, उनको इतना एक्सपोजर नहीं है, वो जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं पैथोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा डॉक्टर, जैसे और एक ये तो कि आपने एक एडवांस कर दिया है, कुछ और चीजें जो इसके बेनिफिट्स हो या इलाज का जो तरीका इससे बेहतर होगा उसके बारे में? हाँ, दो चीजें हैं। एक तो मैंने बताया टीचिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि अगर दूसरे कंसल्टेंट, कई बार होता है कि स्लाइड्स में एक सिंगल कंसल्टेंट की ओपिनियन या कुछ डाउट है, तो एक साथ कई लोग बैठ के, कई कंसल्टेंट बैठ के भी उस पर डिस्कशन कर सकते हैं और फाइनली डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगा। तो ये बहुत ही यूनिक टाइप का इक्विपमेंट है, जैसा कि डिपार्टमेंट ने बताया कि इंडिया में ये पहला सेंटर है जहाँ पे
22 हेडेड माइक्रोस्कोप है। इवन इन नेबरिंग कंट्री में भी इस तरह का इक्विपमेंट नहीं है। सिर्फ हमने जो सुना है कि सिर्फ सिंगापुर में एक जगह है 22 हेडेड, बाकी इंडिया में और नेबरिंग कंट्री में उसके बाद आरएमएल के पास है।